टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का विषय है एरियल सीडिंग। सबसे पहले सवाल कि यह चर्चा में क्यों है। हरियाणा वन विभाग ने पूरे राज्य में एरियल सीडिंग का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, यमुनानगर से सटे पहाड़ी क्षेत्रों में इस विधि का प्रयोग किया गया। इस तकनीक से पहाड़ी क्षेत्रों में वृक्षारोपण करने में आसानी होगी। हरियाणा में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 100 एकड़ में वृक्षारोपण किया जाएगा। अब देखते हैं क्या है एरियल सीडिंग। यह वृक्षारोपण की एक तकनीक है। इसमें प्लेन, हेलीकॉप्टर, ड्रोन आदि का प्रयोग करते हुए पूर्व निर्धारित क्षेत्र में सीड बॉल्स को डाला जाता है। बीजों को मिट्टी, खाद आदि घटकों के मिश्रण से कवर किया जाता है, जिसे सीड बॉल्स कहा जाता है। इन सारे घटकों के कारण सीड्स बॉल्स का वजन इतना ज्यादा हो जाता है कि जब इसे ऊपर से गिराया जाता है तो यह हवा में फैलने के बजाय पूर्व निर्धारित क्षेत्र में गिरता है। जब पर्याप्त वर्षा होती है तो ये सीड बॉल्स अंकुरित होने लगते हैं। इसमें पहले से ही उपस्थित खाद एवं अन्य घटक इसके उगने में सहायता करते हैं। सीड बॉल्स को सीड पैलेट्स भी कहा जाता है। इस विधि से अमूमन उन्हीं प्रजातियों को उगाया जा सकता है जिसका उत्तर जीविता प्रतिशत यानी सर्वाइवल परसेंटेज ज्यादा हो। इसमें बीज बोने यानी सीडिंग का समय बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस तकनीक द्वारा वृक्षारोपण तभी सफल हो सकता है जब बीज बोने का समय सही हो। अब इस तकनीक के फायदे क्या हैं? इससे दुर्गम क्षेत्रों, खड़े ढलान वाले क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों में भी वृक्षारोपण किया जा सकता है। एक बार सीड बॉल्स का छिड़काव करने के बाद इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती है। पौधा खुद ब खुद अंकुरित होकर वृद्धि करने लगता है। इसमें जमीन जोतने, मिट्टी में खाई करने आदि की जरूरत नहीं पड़ती। सीड बॉल्स के मिट्टी वाला आवरण यानी क्ले शेल पक्षियों, चूहों एवं चींटियों से बीज की रक्षा करता है। आइए अब अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। एरियल सीडिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वृक्षारोपण की एक तकनीक है जिसमें प्लेन, हेलीकॉप्टर, ड्रोन आदि का प्रयोग करते हुए पूर्व निर्धारित क्षेत्र में सीड बॉल को डाला जाता है। इससे दुर्गम क्षेत्रों एवं खड़े ढलान वाले क्षेत्रों में भी वृक्षारोपण किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश।